हेलो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आपको मैं घर बैठे बैठे घुमाऊंगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आज है 29 दिसंबर 2021। तो कैसे लास्ट के 3 डेज मेरे लिए जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोग कैसे न्यू ईयर मनाते हैं सब आपको दिखाऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और थोड़ी सी और दया कर दीजिए प्लीज़। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सअप स्टेटस पे डालिए, मैं देखूंगा जरूर किसने नहीं डाली है। और थोड़ी बोरिंग हो सकती है वीडियो, बट स्किप मत करिएगा, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। गाइस, मैं बैठा हूँ कैब में और मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, चेक इन कर लिया मैंने। यहाँ दिल्ली से हम गुवाहाटी जाएंगे बाय फ्लाइट, जो कि 2-3 घंटे की है, और उसके बाद हम गुवाहाटी से पासीघाट जाएंगे बाय ट्रेन, जो कि 12 घंटे का सफ़र है, पूरी रात लग जाएगी। और उसके बाद हम जाएंगे पासीघाट से आलू, जो कि जहाँ हमें जाना है। और अभी जस्ट फ्रेंड का वेट करो, जल्दी से वो आ जाए। और ये देखिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजी। और ये यूट्यूब बना रहा है, इसका वीडियो चैनल है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो हमारी फ़्लाइट का बोर्डिंग टाइम हो चुका है, जो कि 3:30 PM है। और गाइस, गंदे गंदे कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो में क्या कमी लगी है, क्योंकि अच्छे कमेंट मुझे पता है कितनी अच्छी वीडियो है, क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ। तो वेट रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। तो गाइस, एयरपोर्ट में पहुँच चुका हूँ, गुवाहाटी एयरपोर्ट। और जब भी आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हो तो आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है, तो जो आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। तो आपके लिए, उसके लिए आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड और 2 फोटोज़। तो मैं जल्दी से इसलिए भाग रहा हूँ ताकि इनर लाइन परमिट बनवा सकूँ और उसके मैं अपना लगेज वगैरह ले सकूँ। तो जल्दी से चलता हूँ। बुरी खबर, मेरा इनर लाइन परमिट नहीं बना, क्योंकि उनका टाइम है 9 to 5 PM। तो मैं पहुंचा हूँ 6:30। तो लेकिन अभी मैं पासीघाट जाके भी इनर लाइन परमिट बनवा सकता हूँ, मुझे बताया गया है। अभी मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ट्रेन लेने के लिए। तो गाइस, ये हम पहुंच गए हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ से हमारी ट्रेन है 8:30 PM और जो हमें मॉर्निंग में पहुँचाएगी मुरकंग से लेक रेलवे स्टेशन, जो कि पासीघाट से ऑलमोस्ट 10 या 15 किलोमीटर दूर है। तो ये हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है मुरकंग से लेक। यहाँ से हम लेंगे एक रिक्शा, उसके बाद हम जाएंगे रिक्शे से सुमो स्टैंड। तो फाइनली हमें रिक्शा मिल गया है और इसने हमसे टोटल चार्ज किया हम तीनों का 50 रुपीज़, हमें गाड़ी स्टैंड पहुंचाने के लिए, जहाँ से हमें कोई गाड़ी ऑटो या कुछ मिलेगा जो कि हमें आगे पासीघाट पहुँचाएगा। तो हम पहुंच गए हैं सुमो स्टैंड पे, जहाँ पे जिससे हम आगे जाएंगे पासीघाट। फाइनली मुझे अपना इनर लाइन परमिट भी मिल गया है ड्राइवर भैया की हेल्प से, इन्होंने मेरा इनर लाइन परमिट बनवा दिया है। तो मुझे आगे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम पासीघाट पहुंच गए हैं। तो हमने सर पे उठाए हुए ये बैग, क्योंकि रास्ता कच्चा है, ट्रॉली चल नहीं पा रही थी, ट्रॉली के टायर वर्क नहीं कर रहे थे। तो यह है एक रिलेटिव का घर पासीघाट में, जिसका नाम है दोजन चाचू। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए रुकेंगे, फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है ये दूसरा दिन है हमें ट्रैवल करते हुए। और फिर यहाँ से आगे जाएंगे आलोक के लिए खुद की गाड़ी से। तो हमने अपना सामान फिर से रख लिया गाड़ी में, अब हम निकल रहे हैं आलो के लिए यहाँ से। तो अभी हम जा रहे हैं पासीघाट से आलो, जो कि 104 किलोमीटर दूर है, 5 से 6 घंटे हमें लग जाएंगे पहुँचने में। और मुझे पता है आप मेरी शक्ल देख देख के बोर हो गए, तो थोड़ा सा ये रास्ता देख लीजिए और आपको और भी शक्लें देखने को मिलेंगी जब हम आलो पहुँच जाएंगे। वहाँ बहुत मौज मस्ती होने वाली है। और आप अगर बोर हो रहे हो तब भी आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, भगवान आपका भला करेगा। तो ये हम रास्ते में रुके हैं, एक अच्छा स्पॉट है, काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ दिख रहा है, फ़ोटो के लिए अच्छा है, वीडियो के लिए अच्छा है, ये देखिए। और थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। पीछे हट देखिए, कितना सुंदर लग रहा है जो मेरे पीछे है, वो देखिए। और वो नीचे देखिए, नदी है पहाड़ों के बीच में, बहुत ही सुंदर नज़ारा है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हट के अंदर दिखाता हूँ कैसा है हट। ये पूरा का पूरा जो है ये बैम्बू का बना हुआ है और कुछ पत्तों का बना हुआ है।
You promised the world and I fell for it. अगेन हम चल पड़े हैं फिर से आलो के लिए, तो बहुत सुंदर नज़ारा है और रास्ते बहुत ख़राब है। और ये कुछ रास्ते में हमें देखा कुछ गांव में जो लेडीज़ लोग हैं ऑरेंज सेल कर रही थी, फ्रूट सेल कर रहे थे। तो ये हम पहुंच गए हैं आलो। ये तो 29 दिसंबर को निकले थे, 30 दिसंबर को हम पहुंचे। ऑलमोस्ट 2 दिन लग ही जाते हैं, पहले फ्लाइट से, फिर ट्रेन से, फिर सुमो से, फिर खुद की गाड़ी से। इतना ट्रैवल करने के बाद अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे मिलने के लिए। लेट्स मीट एवरीवन। ये देखिए हमारे वेलकम के लिए सबसे पहले हेलो आना। सही टाइम पे आए हैं, काम खत्म हो गया। तो इस टाउन को मैं आपको ऊपर से छत से दिखाता हूँ पूरा का पूरा टाउन, ये कैसा दिखता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये देखिए पहाड़ों के बीच में बना हुआ है ये टाउन। तो ये देखिए यहाँ पे शाम को इकट्ठे होते हैं और चिट चैट होती है न्यू ईयर कल 31 मनाने के लिए, और फिर 1st मनाने के लिए न्यू ईयर की पूरी डिस्कशन होते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मजाक मस्ती खूब चलता है यहाँ पे। तो ये रात हो गई है, भाइयों के साथ बैठो, एंजॉय करो, आग सेक रहे हो यहाँ पे बैठे हम लोग, बातें कर रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं एक दूसरे से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज लोग सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आज से 31st दिसंबर, तो सभी धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं तैयारी के लिए, आज की डीजे नाइट के लिए, कल की तैयारी के लिए। सब लोग अभी धीरे धीरे काम में लग जाएंगे अपने अपने। तो ये आग जलाई जा रही है खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि बाहर से किसी चीज़ को हायर नहीं किया जाता है खाना बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, टेंट वाला, ये सब लोग खुद ही करते हैं, बच्चे से बूढ़े तक सब के सब काम करते हैं। अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, किसी को कोई चीज़ असाइन होती है, किसी को कोई चीज़, और वो सब लोग मन लगा के करते हैं। और काम करने में बहुत मज़ा भी आता है इससे, और चिट चैट भी होती है, बहुत मजाक मस्ती भी होती है। तो ये ब्लैक ब्लैक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये चावल है, और उसका जो भूसा होता है वो जला हुआ है, ये इससे हम बनाएंगे लोकल बियर, लोकल दारू जिसको बोल सकते हैं इस आलो की लैंग्वेज में, उसको पोका बोलते हैं, अपोंग भी बोलते हैं उसको। तो ये चावल को 2-3 महीने के लिए इस तरह से कर जला के इस तरह से रख दिया जाता है, फिर जब ये रेडी हो जाता है तब फिर पोका जो है ड्रिंक जो है निकाली जाती है। वो कैसे निकाली जाती है वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो ये पानी गर्म किया जा रहा है, जब पानी ऐसा पूरा गर्म हो जाता है तो फिर आपको दिखा देते हो ये जो ये सब मेरी छोटी सिस्टर्स हैं। तो ये जो ब्लैक ब्लैक जो हमने दिखाया था आपको, ये इस तरह से इस वाले बर्तन में डालते हैं, ये त्रिकोणा होता है, कीप टाइप सा बना होता है, और नीचे सबसे नीचे इसके एक बर्तन रखा जाता है ताकि जब ऊपर पानी डाले जो नीचे निकलेगा वाइन जो ड्रिंक है वो उस बर्तन में डायरेक्टली निकलेगा। तो ये 31st और 1st स्पेशली न्यू ईयर के लिए तैयार किया जा रहा है, और देखिए इसलिए इस तरह से ऊपर गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। तो चलिए अब दूसरे ग्रुप के पास चलते हैं, डेकोरेशन ग्रुप, देखते हैं उनका काम कहाँ तक पहुँचा है, उन्होंने स्टार्ट किया। ये देखिए ये है डेकोरेशन ग्रुप, तो इनका काम है पूरी डेकोरेशन का देखना, बैलून से लेके एंट्री से लेके चेयर टेंट सब कुछ ये खुद ही अरेंज करते हैं सब कुछ। ये छोटे बच्चे भी यहाँ पे काम करते, देखो छोटी सी बच्ची को लगा रखे, कुत्ता रोक रहा है, मत कर। और ये खाने बनाने वाला ग्रुप, और ये रिक्की जी हमारी प्याज काट रही है। ये हमने बाहर से हायर किया आज के लिए बर्तन साफ करने के लिए। कढ़ाई साफ ही नहीं हो रहा है, काला का काला ही है। तो ये देखिए चेयर आ चुकी हैं, इस पूरी जगह को रात तक सजाया जाएगा हम लोगों के द्वारा। वो सामने पड़ा टेंट है वो पूरा इस साइड में पूरा लगाया जाएगा, और ये जो बैलून वगैरह है ये वर्क कर रहे हैं अभी, इन पे वर्क चल रहा है, और ये पूरा सजेगा। मैं आपको दिखाता हूँ रात में कैसा लगेगा। चिकन।
तो ये देखिए डेकोरेशन पार्टी जो है वो एंट्री पॉइंट पे आ चुकी है, एंट्री पॉइंट की डेकोरेशन कर रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं आज रात की डीजे पार्टी के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। देखिए लाइटिंग के बाद कितना अच्छा लग रहा है ये। अभी लोग आएंगे यहाँ पे, अभी भी तैयारियाँ चल रही हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन की। वाह, ये बच्चे लोग बहुत टैलेंटेड हैं, इन्होंने देखो पूरा डेकोरेशन खुद किया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था दिन में। एवरी लाइक देखो सिटिंग और सब कुछ, देखिए सेल्फी पॉइंट। तो ऑलमोस्ट 6:30-6:30 हो गए और सर्दियाँ बहुत अंधेरा हो गया, सब लोग चले गए अपने अपने घर पे तैयार होने के लिए डीजे पार्टी को एंजॉय करने के लिए। चलो ऊपर चल के देखता हूँ कैसे तैयार हुए या नहीं हुए, लेट्स सी। ये देखिए मेरी छोटी बहन आई है सबसे इतनी यंग लग रहे हैं ये लोग, ये सबसे बड़े वाली दीदी नो कॉम्पिटिशन भाई तू भी नहा लेकर कभी, मैं अभी नहाऊंगा, न्यू ईयर वाला दिन है, नहा लेना आज पक्का, आज और कल। और ये है हमारी सिंगिंग क्वीन जो बेचारी आ नहीं पाई, रो रही है बिकॉज क्योंकि ये आ नहीं पाई, इसकी क्लासेस थी, ये बेंगलोर में स्टडी कर रही है, हम लोग भी इसे बहुत मिस कर रहे हैं। मिर्ची और टमाटर वाली धीरे धीरे सब आ रहे हैं। मॉपिंग मिल गई है हमें इस तरह से मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने बाय बाय कहा है 2021 को। तो कल है फर्स्ट जनवरी 2022 और कल बहुत सारी चीज़ें होंगी, डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।